राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण पर मैं सरकार की उपलब्धियों को ये गिनाना चाहता हूँ, और हमारे सामने बैठे भाई वो अपनी गुणगान और गाथा पूर्व सरकार की गा रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुने, आज सबसे बड़ा फैसला तो राजस्थान की जनता ने किया है, उसके ऊपर आपको नाज होना चाहिए। राजस्थान की जनता ने 75.45% रिकॉर्ड मतदान करके इस सरकार को चुना है, उसके लिए आपकी खामियों को आपको भुगतने के लिए उधर बिठाया गया है। और जिस प्रकार आप ऊंची उड़ान भरते हैं, झूठ बोल करके इस जनता को गुमराह करते हैं, उसके लिए कभी भी राजस्थान की जनता आपको माफ़ करने वाली नहीं है। जिस प्रकार आप हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री महोदय पर जिस प्रकार आप आरोपों का बौछार लगा रहे हैं, उनकी भावना सिर्फ सेवा, सुशासन और गरीब का कल्याण के ऊपर ही उन्होंने काम किया है। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय मदनलाल जी को और उनकी टीम को देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने जो इतने कम समय में जो वादे किए हैं उनके ऊपर भी अमल करने का जो काम किया है, उसके लिए मैं आपको उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जिस प्रकार उन्होंने गैस के सिलेंडर की कीमत 1120 रुपये लग रहे थे, उस गरीब को 450 रुपये में किया और 1 तारीख से लागू भी कर दिया, इसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जिस प्रकार अन्नपूर्णा रसोई के अंदर उसके लिए भी 450 रुपये में 450 ग्राम के अंदर गरीब का पेट नहीं भरता है, उसे भी बढ़ा करके आगे बढ़ने के लिए काम किया है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मीसा पेंशन के लिए, मीसा मंदी में जो थे उनको भी पेंशन योजना लागू की है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पेपर लीक के लिए जिस प्रकार इस सरकार ने जिस प्रकार के कारनामे करके राजस्थान की जनता के युवाओं का भविष्य को जो अंधकार में डाला है, उसके लिए इनको माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन उन युवाओं के प्रति न्याय दिलाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने SIT का जो गठन किया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। चौथा धन्यवाद एक और देना चाहता हूँ, किसान कल्याण निधि के लिए उन्होंने जिस प्रकार 6000 रुपये प्रतिवर्ष हमारे प्रधानमंत्री महोदय किसान को जो देते हैं, उसके लिए भी 6000 से बढ़ा के 12000 रुपये उनके लिए किया है, उसके लिए भी बहुत बहुत उनका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। ये होती है उपलब्धियाँ। अब आप कह रहे हो हमारी उपलब्धियाँ, आपकी उपलब्धियाँ ये हैं, जिस प्रकार इनकी सरकार का जो गठन हुआ था माननीय सभापति महोदय, उस टाइम ये सिर्फ 1 से 10 तक की गिनती, और इनके राष्ट्रीय लीडर आए थे जयपुर में, और उन्होंने 1 से 10 तक गिनती बोलने के बाद 10 दिन के अंदर राजस्थान के सभी किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। हो गया, कहीं नहीं हुआ है इस प्रकार का। इस जनता के साथ में जो खिलवाड़ हुआ है उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। अब ये सोच ऐसे रहे हैं कि साहब हम इधर कैसे बैठ गए, आप अंदर झांक के देखें कि आपके लोगों ने इस राजस्थान की जनता के साथ में खिलवाड़ किया, इसलिए माफ़ नहीं करेंगे आपको। और आगे आपने झूठ बोला राजस्थान के युवाओं के साथ में, उनके भविष्य के लिए जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं उनको हम 3500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से घर पे मनी ऑर्डर आ जाएगा। आज वो बेचारे सारे एक एक तरस रहे हैं कब चुनाव हो और कम इसका हिसाब ले रहे हैं कि कितने महीने हो गए, अब हिसाब दो। वो पैसे अभी वसूल करने के लिए आपके ढूंढ रहे थे, इसलिए आपकी सरकार गई है। वो खड़े थे अपने मोर्चों पर लट लेकर के, बिजली की रेटें हम कभी नहीं बढ़ाएंगे, आपने कितनी बार रेटें बढ़ा दी। प्रत्येक पंचायत समिति के ऊपर नंदीशाला खोलेंगे, खुल गए,
कहीं जनता के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ऐसा आपने कार्य किए हैं। और भी बताऊं आपको, जहां पर आपकी सरकार ने प्रत्येक विधायक को 10-10 करोड़ की सड़कें दी थी, सभापति महोदय उसमें अंतर क्या था? जहां कांग्रेस के विधायक हैं वहां पर लिस्ट की वो विधायक बना करके देगा, वो लिस्ट सारी पास है, और जहां भाजपा का विधायक होगा वहां पर टीम का गठन कर दिया गया कमेटी का, और उसके अंदर कलेक्टर, एक्सएन, एएन, पीडब्ल्यूडी के वो मिल करके वो जो लिस्ट बनाएंगे उसको लिस्ट को फाइल करेंगे, विधायक का कहना नहीं चलता। इसलिए इतना अत्याचार आपकी सरकार ने किया है, उसका खामियाजा भुगतने के लिए आप लोग उधर बैठे हैं। सभापति महोदय, इनकी कई प्रकार की योजनाएं हैं जो इन्होंने सपने सोचे थे कि हम सरकार को अच्छी तरह से चलाएं, हम गरीबों को गरीबी मिटाने के लिए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, गरीबी मिटाने का काम तो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और ये हमारे डबल इंजन की सरकार जो राजस्थान में है वो भी उसी पद चुनाव पर चलने के लिए आगे बढ़ रही है। मैं प्रधानमंत्री महोदय अभी जो कह रहे थे कि साहब गरीबों को लिए काम नहीं किया है, उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, गरीबी मिटाने का काम प्रधानमंत्री जी ने हाथ में लिया, उन्होंने लाइन नहीं लगवाई है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री आवास, जिस गरीब के लिए छत नहीं है उस गरीब को छत देने का काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। वो कोई गिनती नहीं पूछ रही है, पूछ रहे हैं कि भाई 10, एक विधानसभा में 10 ही होना चाहिए, 20 ही होना चाहिए, ऐसी कोई संख्या नहीं ली है। ये है गरीबी मिटाने का काम, ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा, प्रधानमंत्री आवास के द्वारा हो रहा है। दूसरा, जो हमारी माताएं बहनें धुआं के अंदर कभी रसोई बनाने के लिए आंखें फूट जाती थी, उन गरीबों को भी, और गैस कनेक्शन लेने के लिए किसी एमपी को पकड़ना पड़ता था तब जाकर के उसको एक गैस का कनेक्शन मिलना होता था, लेकिन आज धन्यवाद है ऐसे प्रधानमंत्री महोदय को कि उन्होंने ऐसी योजना लागू की कि सारा कोटा खत्म, और निःशुल्क गैस कनेक्शन के लिए पूरे देश के अंदर एक नियम बना करके, और हजारों लाखों की तादाद में उन माताओं बहनों का भविष्य सुधारने का जो काम किया है, फ्री में गैस कनेक्शन आज भी मिल रहे हैं। अगर कहीं सामने वाले भाई बैठे हुए हैं उनके भी कहीं बचे हुए हो तो आप मुझे बता देना, निश्चित तौर के ऊपर हमारी सरकार से हम पास करवा देंगे। इस प्रकार गरीबों के लिए प्रति जो न्याय करने का काम किया है वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया गया है, और जितना आपके कांग्रेस के कुशासन के अंदर जितना इन गरीबों का शोषण हुआ है मैं समझता हूँ आज तक कभी किसी का नहीं हुआ। आज जिस भगवान राम का मंदिर जो अयोध्या में बनने के लिए वर्षों से, 90 के अंदर हम गए थे कार सेवा में, आगरा से लटका के वापस आना पड़ा, 6 दिसंबर 92 को हमारे को जाने का मौका मिला। सभापति महोदय मैं भी उसमें हाजिर था, 27 दिन अयोध्या में रहने का मौका मिला, सरयू नदी में स्नान करने का और वही वहाँ मौका मिला। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। और हम नारे लगा रहे थे रामलला हम आए हैं मंदिर यहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अंदर आत्मा में विश्वास नहीं था ये केंद्र केंद्र कांग्रेस का शासन है, कभी ये दिन आएगा या खाली सपना ही रह जाएगा, नारा रह जाएगा। और जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, हम सिर्फ नारे लगा रहे थे, हमें विश्वास नहीं था कि ये कश्मीर हमारा होगा कि नहीं होगा। धन्यवाद है देश की जनता को कि उन्होंने कमल खिलाया और कमल के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए। जिस प्रकार देश के ऊपर भार बढ़ा, भगवान कृष्ण ने जो अवतार लिया है उस रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक देश के ऊपर अवतार के रूप में सारा काम हो रहा है। सभापति महोदय, उन्होंने धारा 370 हटा करके, एक मिनट डिस्टर्ब नहीं करें, जिस प्रकार बुराइए बुराइए आप, बिल्कुल अवतार है,
अरे राजे माननीय शर्म है माननीय सदस्य विधायक, आपके घर में भी राम होना चाहिए। समाप्त करें माननीय सदस्य। निश्चित तौर पर सभापति महोदय, दो मिनट और बोलेंगे। जिस प्रकार आज धारा 370 हटा करके 35 से हटा करके कभी कश्मीर भारत में अंदर नहीं आया था, तो धन्यवाद देना चाहिए। आज पूरा भारत एक है, हम सबको नाज होना चाहिए। आज भगवान राम के मंदिर के लिए 27 वकील खड़े किए थे आप लोगों ने, लेकिन कोर्ट का फैसला नहीं हुआ। आधी जमीन इनको दे दो, आधी जमीन पर इनको दे दो, ऐसा न्याय किसने दिया था आपको? धन्यवाद है मोदी जी को। और कोर्ट का फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आज भव्य राम मंदिर का बनकर के तैयार है। कल पूरा भारत, पूरे राजस्थान उसके लिए राममय हो गया था। ये हर गली हर मोहल्ले में आपके भी वहाँ हुआ होगा, आप नहीं होंगे ये मैं मानता हूँ, लेकिन आपके कार्यकर्ता उस गली मोहल्ले के अंदर भगवान में और भगवान राम के नाम पर लीन हो गए थे। इसलिए हमारे आज है जी बिराजे बिराजे माननीय सदस्य माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं आप ज्यादा नहीं बोलने दे रहे हो। अभिभाषण का मैं बहुत जोर शब्द में स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।